नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुछ अपडेट है जो वैकेंसी से रिलेटेड है और उससे संबंधित कुछ समाचार है वो भी देख लेते हैं। हेल्थ वर्कर महिला के 9212 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर महिला के 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका के अंतरिम प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि याचियों ने लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद वर्तमान याचिका दाखिल की है, लिहाजा इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता है। याचियों ने अर्जी में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने यह आदेश अंजू देवी व 171 अन्य की याचिका पर दिया है। उधर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि नियम 1997 के नियमों में नियम 5 और नियम 8 को हाईकोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए नियम 2018 बनाया, लिहाजा याचिकागढ़ पुराने नियम के तहत दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश में कहा कि प्रश्नगत विज्ञापन 15 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। इस संबंध में लिखित परीक्षा भी 8 मई 2022 को आयोजित हो चुकी है, जबकि याचियों ने भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण आने पर याचिका दाखिल की है। वर्तमान याचिका 16 मई 2022 को दाखिल की गई, जबकि याचियों को प्रश्नगत विज्ञापन के बारे में शुरू से जानकारी थी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा भी मांगा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के पद खाली हैं, उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। बृजेश पाठक ने सपा के लालजी वर्मा के सवाल के जवाब में यह बात कही है। लालजी वर्मा ने जानना चाहा कि क्या प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जहां पद खाली हैं उनके शिक्षकों को पीजीआई के समकक्ष वेतन व अन्य सुविधाएँ देने पर विचार किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीजीआई के समान वेतन केवल सुपर स्पेशलिस्ट वाले संस्थानों को दिया जाता है। बृजेश पाठक ने कहा कि हैरत है कि नर्सिंग के 4000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, लेकिन पास सिर्फ 3000 ही हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की तैयारी कर समीक्षा बैठक में अफसरों को दिशा निर्देश दिया है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए और 80,000 करोड़ रुपए के निवेश से 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अगली न्यूज़ है, रोडवेज में 3,000 संविदा बस कंडक्टर भर्ती होंगे। 22 दिन महीने में ड्यूटी के 1.59 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वेतन मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 3,000 संविदा पर बस कंडक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के क्षेत्रीय अफसरों को मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए होगी, जिसमें महीने में कम से कम 5,000 किलोमीटर बस संचालन करने वाले संविदा कंडक्टरों को 1.59 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने भुगतान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ 3C प्रमाण पत्र होना जरूरी है। महीने में 22 दिन ड्यूटी करके न्यूनतम 5,000 किलोमीटर बस संचालन पर 7,950 रुपये वेतन के साथ 13% अंशदान EPF भी मिलेगा। और यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट है वो जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है।